नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल में। आज हम देख रहे हैं ब्रिज कोर्स कक्षा 9 और सब्जेक्ट की हम बात करें तो हिंदी में हम देखेंगे। तो हिंदी का जो सब्जेक्ट है उसमें सबसे पहले हम देखते हैं इसका जो आपको इंडेक्स पेज जो दिया जाता है, विषय सूची जिसको बोलते हैं, उसमें हमको क्या क्या बताया गया है। तो पहला बताया है भाषा ज्ञान, जो कि स्वर और व्यंजय भाषा ज्ञान उच्चारण पेज नंबर 1 से 5 तक, ठीक है। फिर पेज नंबर 6 से 15 अगला सूरज का ब्याह, मेज़बान, अंतरिक्ष की सैर, इस टाइप से, ठीक है। तो हम ज़्यादा इंडेक्स को डिस्कस नहीं करते हैं, आपके पास इंडेक्स बना होगा, आप बिल्कुल देख सकते हैं इसके। इस टाइप से हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर आता है वो फर्स्ट चैप्टर है हमारा भाषा ज्ञान, स्वर और व्यंजन के बारे में। तो यहाँ पर बताया है कि कुल वर्ण कितने होते हैं, तो कुल वर्ण 52 होते हैं। एग्ज़ाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुल वर्ण आपके कितने होते हैं, तो आपको बताना होगा कुल वर्ण हमारे 12 होते हैं। फिर आपसे बताया गया है स्वर कितने होते हैं, अ आ ई ई उ ऊ री ए ओ ओ। तो यहाँ पे जो स्वर है, कुल स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, ठीक है। मूल व्यंजन यहाँ पे बताए गए हैं आपको, तो मूल व्यंजन यहाँ पे 33 + 2 = 35 बताए गए हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ड और ढ दोनों द्विगुण व्यंजन होते हैं। उसके बाद आपको बताए गए संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, यहाँ पे 4 बताए गए हैं, पढ़ सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ ये वाला बताया गया है ना, उच्चारण कि कहाँ से कौन सा उच्चारण होता है, नासिक से, है ना। उसके बाद मूर्धा मूर्धन्य से, दंत से, तालु से, ओष्ठ से, कंठ प्लस तालु दोनों से, ओष्ठ प्लस कंठ से और कंठ से, है ना। तो इस टाइप को आपको पढ़ लेना है ये, ठीक है। अब मेन हमारा जो कार्यपत्रक एक आता है पेज नंबर 3 पर, कार्यपत्रक एक आपको क्या दिया है, देखो निर्देशानुसार वर्ण स्वर व्यंजन लिखिए। यहाँ पे आपको स्वर बताए हैं, फिर अनुस्वार बताए हैं, विसर्ग है, क वर्ग के व्यंजन, च वर्ग के व्यंजन, ट वर्ग के व्यंजन, त वर्ग के व्यंजन, प वर्ग के व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं स्वर, तो अ आ ई ई उ री ए ओ ओ, है ना। यहाँ पे एक ही मात्रा है और इसमें डबल मात्रा है, ये ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद अनुस्वर की बात करें तो अम होता है, विसर्ग की बात करें तो अह होता है, विसर्ग लग रहे हैं इसको विसर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कौन से वर्ड को क्या बोलेंगे यहाँ पे। उसके बाद हमको कार्यपत्रक 2 दिया गया है, निर्देशानुसार वर्णों की संख्या लिखी है। तो स्वर की संख्या कितनी है, 11 है, अनुस्वर की संख्या 1 है, विसर्ग की संख्या 1 है, मूल व्यंजन की संख्या 33 + 2 = 35 है, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है और हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा इस बारे में, ठीक है। कार्यपत्रक अगला आपको दिया है 3रा, जिसमें बोला है वर्णों को जोड़कर संयुक्त वाक्य बनाइए। तो ये श क्षत्रिय का है, इसमें आधा का जोड़ेंगे श श बन जाएगा, त्र में त जोड़ेंगे र बनेगा, ज्ञानी में ज जोड़ेंगे आधा ण बनेगा, श्र में श जोड़ेंगे आधा र बन जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। अब हम बात करते हैं पेज नंबर 4 की, तो पेज नंबर 4 पे आपको दिया है कार्यपत्रक 4। कार्यपत्रक 4 में बोला है कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए और बोलकर देखिए। तो कंठ से होता है ना आ, जिसमें अपनी जो जीभान होती है, जो जीभ होती है वो टच नहीं होती है, ठीक है, ना ही मुँह हिलता है, सीधा बस कंठ से निकलता है, जैसे आ आ अ और क, है ना, इस टाइप से। तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए, तो ई ई च वर्ग के सारे च छ ज झ ण, है ना। दांतों से उच्चारित होने वाले वर्ग, ठीक है, आपको दिख रहे होंगे। होठों से उच्चारित होने वाले, नासिक से उच्चारित होने वाले, मूर्धा से उच्चारित होने वाले, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, ये और फिर ये और फिर ये और फिर ये, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये जो कार्यपत्रक अगला आपको दिया है कार्यपत्रक 5, ये आपको स्वयं को करना है, और आप नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। श्रुत लेख शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कार्यपत्रक 6। कार्यपत्रक 6 में दिया है निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे मैं की बात करते हैं तो कल मैं स्कूल जाऊंगी या कल मैं स्कूल जाऊंगा। मैं की बात करें, बस में बहुत भीड़ थी, है ना, बस स्टैंड पे बहुत भीड़ थी और हवा दक्षिण दिशा की ओर चल रही है, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर यहाँ पे ऐसा भी हो जाएगा कि मैं और मेरा दोस्त स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। और की बात करें, मैं और मेरा मित्र कल घूमने गए थे। की बात करें, विद्यार्थी जिसे कहें कि हमें की, है ना, ये की है, ठीक है, ये और है, ये और है, ये एक ही और होगा यहाँ पे, यहाँ पे आपके मैं आ जाएगा, ये मैं आ जाएगा। की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये की आ गया है की बात कर रहे हैं, फिर है की बात कर रहे हैं, इस टाइप से, ठीक है। आपको ये लिख लेना है, यहाँ तक है ये बिल्कुल। उसके बाद हम अगले पेज नंबर की बात करते हैं। अगला जो हमारा चैप्टर आता है सूरज का ब्याह,
सूरज का ब्याह एक कविता आपको बताई गई है। उड़ी एक अफवाह, सूर्य की शादी होने वाली है। वर के विमल मोर में मोती उषा पिरोने वाली है। मोर करेंगे नाच गीत, कोयल सुहाग के गाएगी। लता विटप मंडप वितान से वंदन वार सजाएगी। इस टाइप से दिए गए हैं, आपको ये कविता पूरी पढ़ लेनी है। और पढ़ने के बाद अब आपको क्या करना है, तो आप इसको सॉल्व करना है, ठीक है। कार्यपत्रक एक में शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। शब्द अगर आपको देखने में दिक्कत आती है तो मैं बोल के बता देता हूँ। अफवाह, मोर, विमल, उषा, सुहाग, है ना, विटप, मंडप, वितान, पांत पांत, वृद्ध, वृंदवार, है ना, वंदवार, जलचरा, जलचर, विपदा, प्रचंड, खातिर, कंवारा, ताप, वश, विहीन, झमेला, छटपटा, है ना। इसके बाद कार्यपत्रक दो की हम बात करते हैं। अपनी पसंद की कविता है तो खुशी के हकदार हैं वही जिन्होंने दुख को सहा है, छोड़ के दामन फूलों की कांटों की राह को चुनाए। तो ये कविता तो आप कोई सी भी लिख सकते हैं जो आपको पसंद हो, ठीक है। उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के लिए तय है, ये फिक्स क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्दों में कुछ तद्भव, तद्भव, तत्सम शब्द शामिल है, इन्हें चुनकर अलग अलग लिखिए। अब देखो तद्भव शब्द क्या होते हैं और तत्सम शब्द क्या होते हैं। तद्भव शब्द क्या होते हैं, जो नॉर्मली बोलने में आते हैं ना, जैसे मिट्टी, साग, मोर, है ना, भीत, इस टाइप के। और जो आधे जुड़े होते हैं या थोड़ा सी हमको उसमें बोलने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, उनको हम बोलेंगे तत्सम शब्द, ठीक है। तद्भव शब्द क्या हो जाएंगे, मिट्टी, साग, भीत, झरना, हाथ, हम आसानी से बोल पा रहे हैं नॉर्मली। अब तत्सम शब्द जैसे हस्त, मोर, है ना, स्वप्न, मृतिका, साग, भित्ती, ये अलग वाला भित्ती है ना, वो भित्ती, भीत अलग था, सॉरी ये भीत था और ये भित्ती है। चंद्र, समुद्र, श्रृंखला, हस्ती, भीत, गोरा, सपना, चांद, ठीक है, इस टाइप से आप इसे कर लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अगला, पेज नंबर 8 की। पेज नंबर 8 पे आपको क्या दिया गया है, समानतुक वाले शब्दों की पहचान कीजिए। समानतुक मतलब जिनको बोलने में एक जैसा लगता है ना, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे दुकान, है ना, ये दुकान है, दुकान का क्या आएगा यहाँ पे, तो दुकान का आएगा मकान, है ना, कहर का नहर, कान का मान, है ना, रात का बात, मकान का दुकान, अपना का सपना, साथ का हाथ, तारा का नारा, बिटिया का घटिया, खिला का किला, चीला का दिला, इस टाइप से, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कार्यपत्रक 5 जो हमें दिया गया पेज नंबर 8 पर क्या दिया है, कविता में आए नए शब्दों का अर्थ लिखिए। अफवाह की बात करते हैं तो अफवाह का मतलब भ्रम, झूठी बात, है ना, या तो भ्रम या फिर झूठी बात। मोर की बात करें, दूल्हे के सिर पर बांधे जाने वाला जो मुकुट होता है उसे हम मोर कहते हैं, ठीक है। विमल पवित्र होता है, उषा सुबह की किरणें, सुहाग मंगल गीत, है ना, विटप वृक्ष, इस टाइप से। तो आई थिंक आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ये आप इससे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। विपद आपत्ति या परेशानी, प्रचंड अत्यधिक गर्म, खातिर के लिए, कंवारा जिसका विवाह ना हुआ हो, ताप गर्मी, वंश विहीन, है ना, इस टाइप से आप लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं पेज नंबर 9 पे कार्यपत्रक 6 दिया गया है, फिक्स एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है, आना तय है। कार्यपत्रक 6 में आपको दिया है निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको 2 से 3 बार पढ़ लेना है, ठीक है। कितनी बार, 2 से 3 बार अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। कहती है सारी दुनिया जिसे किस्मत, नाम है उसका हकीकत में मेहनत, जो रचते हैं खुद अपनी किस्मत, वे कहे जाते हैं साहसी, जो करते हैं ईश्वर से शिकायतें, वे कहे जाते हैं आलसी, जो रुक गया मिट गया उसका नामो निशान, जो चलता रहा अपनी मंजिल वो पा गया, खुशी के हकदार है वही जिन्होंने दुख को सहा है, छोड़ के दामन फूलों का कांटों की राह को चुना है, निराशा का अंधकार मिटाकर आशा के दीप जलाओ, छोड़ भाग्य की दुहाई को अपनी किस्मत स्वयं बनाओ। यहाँ पे पहला प्रश्न है, हकीकत में किस्मत किसे कहा गया है, तो यहाँ पे किस्मत कहाँ बताई गई है, उसका हकीकत में मेहनत, क्या है, नाम है उसका हकीकत में मेहनत, तो यहाँ पे आ जाएगा पहला वाला ऑप्शन आपके, मतलब सॉरी पहले का आंसर आ जाएगा 4th वाला। जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो जो अपनी किस्मत रचते हैं कहे जाते हैं साहसी। सच्ची खुशी का हकदार कौन है, दुख सहने वाला। किसका अंधकार मिटाना है, निराशा का। किसे छोड़ने पर किस्मत बनती है, भाग्य की दुहाई को। जो रुक गया मिट गया उसका नामो निशान, ये वाला, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगला, हमारा पेज नंबर आता है 10। पेज नंबर 10 पे आपको क्या बताया है, पेज नंबर 10 पे जो भी कार्यपत्रक 7 आपको दिया है, नीचे दिए चित्रों को देखकर सरल शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। यहाँ पे आपको बताया गया है कि इस चित्र में आपको क्या नज़र आ रहा है। देखो एक पिंजरा नज़र आ रहा है, उस पिंजरे में एक चिड़िया कैद है यहाँ पे, ठीक है। उसको बाहर का जो नज़ारा है काफ़ी अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। दूसरी तरफ एक उड़ती हुई चिड़िया हमको देखकर, चिड़िया भी उसी की आवाज़ में बोलती रहती थी, है ना, इस टाइप से आपको दिख रहा है। तो आप ये वाली कविता यहाँ पे लिख लेंगे, कहानी जो है, आप चाहे तो इसे काफ़ी बड़ा कर सकते हैं और छोटी भी लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये भी एग्ज़ाम में आएगी, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। इसके बाद हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन हमें यह पूछा गया है कार्यपत्रक नंबर 8,
आज सुबह से उठकर आपने क्या क्या किया उसके बारे में लिखी है। तो ये अपनी दिनचर्या के बारे में पूछ रहा है, आपने सुबह उठे, आपने क्या किया, मंजन किया, फ्रेश हुए, नहाए धोए, है ना, स्कूल की तैयारी की, खाना खाया, वो सब आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो आई थिंक ये तो आप कर लोगे। उसके बाद हम बात करते हैं पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 पर हमें एक चैप्टर दिया है मेज़बान। मेज़बान की बात करते हैं, एक पूरी कविता आपको, कहानी आपको दी गई है, ठीक है। पति पत्नी के बारे में बताया गया है, वो अपना जीवन कैसे जीते थे, उनके घर मेहमान आए तो दोनों कितने खुश हो गए थे, दोनों ने स्वागत किया, है ना, इस टाइप से। तो ये कहानी आपको पढ़ लेना है अच्छी तरीके से, ये यहाँ से। और उसके बाद जो आपके कार्यपत्रक 1 दिया गया है इसी चैप्टर का, श्रुत लेख शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द। तो जब शिक्षक मतलब जो आपके टीचर्स अगर इनको पढ़ते हैं तो इनमें जो शब्द बोलते हैं उनको लिखना है, ठीक है। सांझ, शर्म, सरसाना, इशारा, रक्षा, आशीर्वाद, स्वच्छता, है ना, इस टाइप से आप पढ़ लीजिएगा इसको और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 2 की। तो कार्यपत्रक 2 में दिया है, कालम अ में दिए गए शब्दों से समान अर्थ रखने वाले शब्दों को कालम बी से चुनकर लिखिए। ये कालम अ और ये कालम बी, ठीक है। इसमें हो जाएगा स्वल्पाहार, जलपान, अतिथि, मेहमान, व्यंजन, पकवान, मेहमान नवाजी, मेज़बान, युक्ति भिड़ाना, जुगत, आतिथ्य और अतिथ्य, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम पेज नंबर 14 की। तो पेज नंबर 14 पे आपको दिया है कार्यपत्रक नंबर 3। नीचे दिए गए शब्दों की सूची बनाकर अपने स्वादानुसार नीचे दिए गए वर्ग में लिखिए। इसके अलावा जो आपको पसंद है उन्हें भी लिखिए। भजिया, बर्फी, लड्डू, खीर पूरी, मालपुआ, नींबू, पापड़, सेब, पपीता, इमली, ठीक है। इसमें आपको मीठा बताना है, नमकीन बताना है और खट्टा बताना है। तो मीठे में क्या हो जाएगा, बर्फी और खीर नापसंद, मतलब जो पसंद नहीं है, लड्डू और मालपुआ पसंद नहीं है। नमकीन में पसंद क्या है, पापड़, भजिया, पूरी, ये आपको आपके हिसाब से बताना है, ठीक है। और आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बताया है दिए गए संज्ञा शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मेहमान, आज मेरे घर मेहमान आए थे। पापड़, मैंने आज पापड़ बनाए। थाली, घर में बहुत थाली है ना, बहुत सी थालियाँ है या थाली है, ठीक है, इस टाइप से लिख लीजिएगा, आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन बताया है, निम्नलिखित में से विशेषण विशेष्य को छांटकर लिखिए, ठीक है। जहरीला सांप, करारे पापड़, गर्म रोटी, खास मेहमान। उदाहरण क्या बताऊं भाई, इतना लंबा सांप था, ठीक है। विशेषण क्या हो जाएगा इसमें, तो जहरीला, करार, गर्म गर्म, खास। विशेष क्या हो जाएगा, विशेष्य मतलब क्या होता है, नाम की बात करें, विशेषण का मतलब जो किसी की विशेषता बताते हैं, ठीक है। जैसे सूरज दौड़ रहा है, तो सूरज क्या कर रहा है वहाँ पे, सूरज दौड़ रहा है, तो दौड़ना उसकी विशेषता हो गई है, तो दौड़ना हमारे यहाँ पे विशेषण बन जाएगा, ठीक है। जैसे प्रवीण पढ़ता है ना, तो प्रवीण यहाँ पे क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। प्रवीण तेज दौड़ रहा है, तो तेज दौड़ना उसकी विशेषता है ना, इस टाइप से विशेषण शब्द की बात करते हैं। अगला हम कार्यपत्रक 4 की बात करते हैं। कार्यपत्रक 4 हमें क्या दिया है, अपने दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले मुहावरों को लिखिए और उनके अर्थ भी लिखिए। जैसे घोड़े बेचकर सोना, गहरी नींद में सोना, इधर उधर हाथ मारना मतलब चोरी करना, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ये, और अगर नहीं दिख रहा है तो आप बता सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से। पानी पानी होना मतलब इज्जत मिट्टी में मिलना, घुटने टेंकना, किसी के सामने झुकना, 9-2-11 होना, किसी जगह से भाग जाना, छक्के छुड़ाना, किसी को देखकर घबरा जाना, ठीक है। तो ये आप देख के लिख सकते हैं बिल्कुल। उसके बाद हम बात करते हैं कार्यपत्रक 5 की। निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करते हुए कहानी लिखी है। यहाँ पे बताया काकी, हलवा, व्यंजन, बूढ़ी, कचौरी, मेहमान, गांव और शादी। एक गांव में बूढ़ी काकी रहती थी, है ना, उनका भी बुलावा आया था, तो वो उस शादी में उनको भी बुलावा आया था तो वो शादी में मेहमान बनकर चली गई। वहाँ कई तरह के नए नए व्यंजन और स्वादिष्ट पकवान बनाए गए, जैसे पूरी, हलवा, कचौरी, जामुन और स्वादिष्ट पकवान बनाए गए, ठीक है। जितनी लाइनें हैं उतनी भर दी है, उसके बाद अगर आगे आप और बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगला पेज नंबर 16 की। पेज नंबर 16 पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर बताया गया है, अंतरिक्ष की सैर। इसको पूरे को आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है, यहाँ से इस टाइप से आपको पढ़ना है इसको। ये पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे कि थोड़ा सा और इस पेज पे भी है तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद कार्यपत्रक 1 है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द लिखना है आपको। तो ये सारे आपको दिखाए गए, अंतरिक्ष, साइंटिस्ट, गुरुत्वाकर्षण, अंतरिक्षयान, वायुमंडल, दुर्घटनाग्रस्त, प्रयोगशाला, भूउपग्रह, वायुयान, शक्ति, मस्तिष्क, तकनीकी, है ना, इस टाइप से। फिर आगे बताया है कि जो दिए गए शब्द के अर्थ वाक्यों में प्रयोग कीजिए। प्रशिक्षण, प्रशिक्षण नियमित रूप से दी जाने वाली व्यवहारिक शिक्षा, है ना, मतलब ट्रेनिंग, क्या होता है ट्रेनिंग, प्रशिक्षण मतलब नियमित रूप से दी जाने वाली शिक्षा। उसके बाद क्या बताया है, अंतरिक्ष, तो पृथ्वी और अन्य ग्रहों के चारों ओर का स्थान आकाश, है ना। आगे बताया आपको यहाँ पे शून्य खगोल मंडल भी बताया है। संस्था, विशेष उद्देश्य से संबंधित संस्था,
ठीक है, यहाँ पे आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे ये सुन सकते हैं। संस्थान का है विशेष उद्देश्य से संबंधित संस्था। प्रयोगशाला वह स्थान जहाँ भौतिक और रसायन विज्ञान आदि विषयों के तथ्यों को समझने के लिए विविध प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर एक गोलाकार वाष्पीय आवरण वातावरण पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद हम देखते हैं अगला, इसका साथ में क्या दिया है हमको, अगला है कार्यपत्रक दो। यहाँ बताया है नीचे कुछ चित्र दिए जा रहे हैं, अपनी कल्पना के आधार पर तथा दिए गए चित्र की सहायता से अंतरिक्ष की सैर पर 8 पंक्तियाँ लिखिए और उचित शीर्षक भी दीजिए। यहाँ पे बच्चे जो काम कर रहे हैं इसके बारे में हमको देख के लिखना है। मैं अंतरिक्ष में भी जाना चाहती हूँ, या बच्ची क्या सोच रही है, मैं भी जाना चाहती हूँ, मुझे अंतरिक्ष की सैर करनी है, अंतरिक्ष में नई नई खोज करनी है ना। आगे बताया है अंतरिक्ष में बैठना है, अंतरिक्ष यान में बैठना है, वैज्ञानिक बनना है, मिसाइल बनानी है, मंगल बुध ग्रह पर जाना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले पेज नंबर की, पेज नंबर 19 मतलब 19। तो इस पर आपको बताया गया है दिए गए शब्दों के कार्यपत्र 3 दिया है। दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर लिखिए। आप अपने साथी या शिक्षक से भी मदद ले सकते हैं। अंतरिक्ष के बारे में तो पृथ्वी और अन्य ग्रहों के चारों ओर का स्थान है ना, आकाश, शून्य, खगोल मंडल, विज्ञान, किसी विषय वस्तु का क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान, वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर एक गोलाकार वाष्पीय आवरण वातावरण या पर्यावरण, दुर्घटना, अशुभ या बुरी घटना, अनहोनी, विपत्ति, आफत। ठीक है, प्रयोगशाला। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिया है दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लगाइए। विचरण, यात्री, झिलमिलाते, प्रशिक्षण, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा। अवधारणा, इस्पात है ना, झिलमिलाते, पृथ्वी, इस टाइप से। ठीक है, आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा तो यहाँ पे देखेंगे पेज नंबर 20 पर। तो पेज नंबर 20 पर दिया है दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत अपने पहले परीक्षण में साबित हुआ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत अपने पहले परीक्षण में साबित हुआ। ठीक है, पहले परीक्षण में साबित हुआ। अंतरिक्षयान, वैज्ञानिक अंतरिक्षयान में बैठकर अंतरिक्ष में जाते हैं, है ना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है लिखा हुआ तो मैं बोल रहा हूँ, आप वो लिख लीजिए। अंतरिक्षयान, वैज्ञानिक अंतरिक्षयान में बैठकर अंतरिक्ष में जाते हैं। यात्री, अजमेर से पुष्कर जाने वाली बस में 50 यात्री थे। ठीक है, अगला वायुमंडल, वायुमंडल को स्वच्छ रखना हमारा दायित्व है। ठीक है, वायुमंडल को स्वच्छ रखना हमारा दायित्व है। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन के लिख लीजिए। पृथ्वी, जब जब पृथ्वी पर प्रलय आया भारी विनाश हुआ, है ना, भारी विनाश हुआ। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो आप सुन लीजिए। जब जब पृथ्वी पर प्रलय आया भारी विनाश हुआ। प्रशिक्षण, विद्यालय में बच्चों के विकास के लिए प्रशिक्षण था, है ना, विद्यालय में बच्चों के विकास के लिए प्रशिक्षण था। संस्थान, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एक शैक्षणिक संस्थान है। आगे उड़ान, वायुयान की उड़ान रोमांचक होगा ना, करती है। तापमान, गर्मी के मौसम में तापमान अधिक रहता है। साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कलाम राष्ट्रपति होने के साथ साथ एक वैज्ञानिक भी थे। ठीक है, इस टाइप से आपको लिख लेना है। इसके बाद कार्यपत्रक 5 दिया गया है आपको। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं। परीक्षा में ये क्वेश्चन फिक्स है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा। अंतरिक्ष यात्री वैज्ञानिक होते हैं। अंतरिक्ष यात्री की उम्र क्या होनी चाहिए, तो अंतरिक्ष यात्री की उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अंतरिक्षयान किसका मिला जुला रूप है, अंतरिक्षयान वायुयान का मिला जुला रूप है। ठीक है, भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है, भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। क्या है ये, इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, इसरो। ठीक है, भारतीय अनुसंधान संगठन, ठीक है, सॉरी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान कहाँ है, तो विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान कहाँ है, नासा, अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में स्थित है। ठीक है, कहाँ है, नासा, अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में स्थित है। तो गाइस, ये था पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 20 तक का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सब समझ में आया होगा, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, पेज नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।